हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज बना रहे हैं चटनी। इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्चें, खीरा और यहाँ पर ले लिए टमाटर और ले लिए यहाँ पे कड़ी पत्ता। ये आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है और डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे के साथ साथ डाल देंगे इसके अंदर सरसों के दाने जिसे हम राई बोलते हैं। इन दोनों को भून लेंगे। जब ये भून हो जाएंगे तब डाल देंगे हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन। ये लहसुन आप चटनी में जरूर डाल लें, लहसुन के फ्लेवर से चटनी है ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लहसुन को 2 मिनट तक भून लेंगे। जब लहसुन भून हो जाएगा तब डाल देंगे इसके अंदर टमाटर। टमाटर को हमने 2-2 पीस कट करके डाले हैं। तो इस तरह से आप टमाटर रख लें इसके अंदर और डाल दें इसके ऊपर बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे ताकि हमारा जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। और देखिए हमारा जो टमाटर है वो एक तरफ से सॉफ्ट हो चुके हैं और वो कढ़ाई के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। अब इनको हम पलट देंगे ताकि जो टमाटर है वो दूसरी तरफ से भी सॉफ्ट हो जाए, वो अच्छी तरह से पक जाए। तो ढक दिया है 2 मिनट के लिए फिर से। तो मैं आपको एक बार फिर से हिला के दिखा देती हूँ, हमारे जो टमाटर है वो दूसरी तरफ से भी सॉफ्ट हो गए हैं। जैसे मैंने इनको हिलाया है इनको जो छिलके वो अपने आप उतरना शुरू हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें टमाटर सॉफ्ट रखने हैं। अगर आपके भी टमाटर हिलाने से इस तरह से छिलके उतर रहे हैं तो आप भी इनको छिलके से उतार दें। अगर आपके छिलके नहीं उतर रहे हैं तो आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छी तरह से पकने दें। और कड़छी की सहायता से आप इसको अच्छे से मैश कर लें। अगर चम्मच है तो चम्मच से मैश कर लें, अगर आपका पोटैटो मैशर है तो आप उससे मैश कर सकते हैं। तो मैश करने के बाद हमने गैस को फ्लेम जो बंद कर दिया और उसको उतार लिया नीचे। और अब डाल देंगे इसको एक बाउल में ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा टमाटर की प्यूरी है वो ठंडी हो चुकी है। अब डाल देंगे इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज और अब डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के बाद डाल देंगे इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब डाल देंगे इसके अंदर हरे धनिया के बाद बारीक कटा हुआ खीरा। और देखिए जो खीरा है उसका मैंने छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारा, मैं इसको छिलके के साथ ही डाल रही हूँ। बारीक खीरा डालने के बाद जो इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा रखें क्योंकि खीरा है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इस चटनी के अंदर। अब डाल देंगे इसके अंदर हमारे ड्राई मसाले जैसे कि पीसी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च मैं थोड़ी इसलिए डाल रही क्योंकि मैंने पहले इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च भी डाली है। तो अब डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच नमक का यूज़ किया है। और नमक के बाद डाल देंगे इसके अंदर हम थोड़ा सा अपना अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने के बाद डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला जिसे हम चंकी चाट मसाला बोलते हैं, जो कि आपके घर में अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर या फिर अनारदाना भी डाल सकते हैं या फिर आंवले का पाउडर है वो भी डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद अब डाल देंगे इसके अंदर हम इमली की प्यूरी। इमली की जगह आप यहाँ पर नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास नींबू है तो नींबू डाल लें, इमली है तो इमली डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ डालने के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पर ध्यान रखें कि आप हल्के हाथ से मिक्स करें। अगर आप इसको ज़्यादा ज़ोर से मिक्स करोगे हमारा जो खीरा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, क्रंचीपन बिल्कुल भी नहीं रहेगा इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हमने अच्छी तरह से कर लेनी है मिक्स, ताकि हमारे जो सब चीज़ें मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ, हमारी जो चटनी है उसका टेस्ट अच्छी तरह से निकल के आए। अगर आपका सब्जी बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं है तो आप ये चटनी बनाएं जिसमें कि मार्केट के सामान की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो सामान है आपके घर पे अवेलेबल होता है। तो अच्छी तरह से सामान जो मिक्स हो गया है और हमारी जो चटनी वो बनकर बिल्कुल तैयार है। यकीन मानिए मेरे बच्चों ने सब्जी की जगह ये चटनी खानी शुरू कर दी है। तो फ्रेंड्स ये चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जरूर बताएं। मेरे घर में छोटे से लेके बड़ों तक ये चटनी के फ़ैन हो गया है। ये चटनी को मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, आप भी इसको जरूर ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।